तो दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले की। दोस्तों रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी क्रीज पर आ चुकी थी और दोस्तों दोनों ने धुआंधार पारी खेलना शुरू कर दिया था। आक्रामक पारी की शुरुआत हो चुकी थी और भारत ने दोस्तों 2 ओवर में 18 रन बना लिए थे। महज 2 ओवर में 18 रन जनाब जब बनाए गए तो दोस्तों भारत ने 3 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान के 25 रन बना लिए थे। और ऐसा देख कर कीवी टीम सोच में पड़ गई थी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी कीवी टीम के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन रोहित विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके थे। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस मैच में 3 छक्के जड़ दिए और वह विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। दोस्तों बताएंगे आपको कंप्लीट जानकारी, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर जितने भी मेरे प्यारे भाई लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा मात्र 47 रन बनाकर जब वेन जेमसन के हाथों अपना कैच गवा बैठे तो उसके बाद दोस्तों भारत का स्कोर 50 के पार जा चुका था और रोहित शर्मा के जाने के बाद में दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए क्रीज पर आ चुके थे जाने माने नंबर 1 दोस्तों किंग कोहली। और किंग कोहली के आते ही दोस्तों धमाकेदार बल्लेबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। लग रहा था कि किंग कोहली एक बार इतिहास रचने वाले हैं और दोस्तों आज के इस महामुकाबले में उन्होंने इतिहास रच दिया। सचिन तेंदुलकर के भी आगे वो पहुंच गए और सचिन तेंदुलकर के जब आगे पहुंचे तो दोस्तों उन्होंने फिर से एक बार फिर से दोस्तों ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि यहाँ पे शुभमन गिल का साथ देते हुए जबरदस्त अर्धशतक के साथ साथ शतक भी लगा बैठे। और यही बात खत्म नहीं होती दोस्तों, शुभमन गिल जब रिटायर्ड होकर ग्राउंड में बैठे तो उनके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर आ चुके थे ग्राउंड में और श्रेयस अय्यर का साथ देते हुए दोस्तों विराट कोहली ने इतिहास रच दिया था। दोस्तों कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतनी जल्दी महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए खुशी का नजारा कुछ इस तरह से था जब विराट कोहली ने अपना शतक पूरा करा। विराट और श्रेयस दोस्तों बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेलते हुए विराट का जब शतक पूरा हुआ तो उनकी आंखों से आंसू साफ झलक रहे थे और खुशी के ये आंसू दोस्तों भारतीय टीम को लगातार अपना 10वां मैच जिताने के लायक थे। दोस्तों ठीक वहीं साथ देते हुए श्रेयस अय्यर ने भी अपना जबरदस्त शतक लगाया विराट कोहली के साथ साथ श्रेयस अय्यर भी अपनी बैटिंग लाइनअप में। और ये देखिए खुशी का माहौल। जी हाँ दोस्तों, लगातार स्वागत विराट के साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी स्वागत होने वाला था और श्रेयस ने आज ऐसी तूफानी पारी खेली जिसके चलते दोस्तों भारतीय टीम विराट के साथ साथ 350 के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन यही नहीं, जब विराट आउट हुए तो उसके बाद श्रेयस ने कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों 48वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 67 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ठीक वहीं जब बात आई दोस्तों भारतीय टीम के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब डिवॉन कॉमे और रविंद्र रचिन जब ग्राउंड पे आए तो दोस्तों जब पारी की शुरुआत हुई तो ठीक वही दोस्तों मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता रविंद्र रचिन के रूप में भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और मोहम्मद शमी और विराट कोहली इन खुशियों में झूम उठे। ठीक वही दोस्तों आपको बता देते हैं एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आए केन विलियमसन। जी हां दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम के लिए विराट कोहली यहाँ पे मजबूत जड़ बनकर खड़े रहे ठीक उसी प्रकार से केन विलियमसन यहाँ पे दोस्तों लगातार बाउंड्रीज के ऊपर बाउंड्रीज जड़ते जा रहे थे और बहुत ही अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाए जा रहे थे। मिचेल विलियमसन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों डेरेन मिचेल का शतक भी लग चुका था लेकिन मिचेल विलियमसन के बीच में जो शतकीय साझेदारी हुई उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम का कहीं ना कहीं एक बार झुकाव फिर से हार की तरफ जा रहा था। भारतीय खेमे में आग लग चुकी थी लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे लगातार दोस्तों रनआउट का चांस बन रहा था उसके बीच डेरियन मिचेल ने अपना 85 गेंदों में शतक पूरा कर लिया और दोस्तों इतनी धुआंधार पारी खेली डेरियन मिचेल ने। जहां तक हम बात कर रहे थे दोस्तों मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से झटका दिया यहां पे और बहुत ही जबरदस्त झटके के साथ ही हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों इस तरह से डेरियन मिचेल ने आज बहुत ही जबरदस्त धुआंधार पारी खेली जिसके चलते मोहम्मद शमी और बुमराह दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी एक समय ऐसा मान रहे थे कि आज अपना ये मैच डेरियन मिचेल कहीं ना कहीं अपने हाथों से खींचते हुए लेके जाने वाले हैं। लेकिन तभी दोस्तों पारी की शुरुआत एक बार फिर से रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद थमा दी जिससे कि मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड के खेमे में आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, लगातार एक ही ओवर में 2 विकेट यहाँ पे मोहम्मद शमी ने चटका दिए जिससे कि न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर से पलड़ा भारी जो नजर आ रहा था कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ चुकी थी और विलियमसन आउट होकर पेवेलियन लौट चुके थे। इस तरह से दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के लगातार अथाह प्रयास करने के बाद भी दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा और आखिरकार रोहित का सिक्का वैसा ही चला जैसा उन्होंने चलाया। अपने तमाम गेंदबाजों का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज तक, या दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आज बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करवाई और लगातार रनों पे लगाम लगा दी। यही नहीं दोस्तों, मिचेल यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे लेकिन दोस्तों 7 विकेटों के साथ जिस तरह से आज यहाँ पे मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए और भारत को दोस्तों 70 रनों से यह मैच जीता
लगा दिया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।